आज हम आलू के चिप्स बनाने जा रहे हैं और उसमें हमने दो आलू लिए हैं, उन्हें अच्छे से धो लिया है, बढ़िया वाले आलू हैं। चलो अब इसे छील लें, अच्छे से छील लेंगे। हमने इसमें 1.5 गिलास पानी रखा है उबलने के लिए और उसमें हमने नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। पानी इतना लेना है कि आलू के चिप्स अच्छे से डूब जाएं। ये हम चाकू से काट के ही चिप्स बनाएं। उबलते हुए पानी में डाल देंगे और मैं 5 मिनट के लिए इन्हें इसमें रखेंगे, जितने भी चिप्स हैं पानी से निचोड़ के इसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट ये पक गए हैं और अब इनको हम पानी से निकाल देंगे, हम इन्हें निकाल देंगे। हम चिप्स रखेंगे ताकि चिपके ना, इसलिए तेल लगाया है। इन्हें हम धूप में सुखाएंगे 2 दिन। जो हमने चाकू से काट के बनाए इन्हें हमने थाली में थोड़ा तेल लगा के इसमें रख दिया धूप में सूखने के लिए। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा पलटना है, इनको हम पलट रहे हैं ताकि धूप में अच्छे से सूख जाएं। हम इनको तलेंगे। ये हमने चिप्स बनाए हैं 1 दिन की धूप से, ये ऐसे हुए हैं, अभी कल और सुखाने पड़ेंगे। हमने ये चिप्स सुखाए हैं और अभी सूख के तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें तलने डालेंगे। ये हम इन्हें तलते हैं। ये व्रत में भी खाए जा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें सेंधा नमक डाला है। हमने ये देसी घी में तले हैं ताकि व्रत में भी खा सकें। इनमें हमने सेंधा नमक डाल दिया था,
इसलिए ये व्रत में भी खाया जा सकता है।